देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों, तो पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए एडोब रीडर ऐप का यूज करते हैं, तो इस प्रकार से पहले का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, तो अब आप आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग किस किस ऐप से कर सकते हैं? तो इस प्रकार से दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, तो दूसरे प्रश्न के आगे तीसरा क्वेश्चन आता है। अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को किस पर प्रदर्शित करते हैं? दोस्तों, यहाँ पर URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो URL है वो एड्रेस बार पर प्रदर्शित होगा, तो तीसरे का बी ऑप्शन सही होने वाला है। दोस्तों, तो आगे हमारे पास में चौथा क्वेश्चन आता है। नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो पहला है इनपुट डिवाइस, तो वो होते हैं ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, तो पहले का पी हो जाएगा। दूसरा आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, तो दूसरे का आर हो जाएगा। तीसरा है स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस की एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव, तो तीसरे का क्यू हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें आपको डी ऑप्शन मिलेगा, पहले का पी, दूसरे का आर, तीसरे का क्यू। तो गाइस, अब आप आगे देखिए पाँचवा क्वेश्चन। वह एक ऐसी विधि कौन सी है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती हैं, जबकि वह कौन सी एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो या अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है? जब एक सीपीयू हो और कई कार्य हों तो वो प्रक्रिया कहलाती है मल्टीटास्किंग, और जब कई सीपीयू हों और दो या अधिक प्रोग्राम हों तो वह प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। तो पांचवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन। राजमेघ क्या है? तो ये एक प्रकार का राजस्थान क्लाउड है, तो छठे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन आता है। वह कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव इत्यादि को चलाता और नियंत्रित करता है? तो उस प्रोग्राम का नाम है डिवाइस ड्राइवर, तो सातवें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, तो अब आप आठवां क्वेश्चन देखिए। कौन वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है? तो वो है स्काइप, तो आठवें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नौवां क्वेश्चन आता है। किसमें 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिक डेटा के आधार पर जारी की जाती है? तो भारतीय निवासियों को 12 अंकों की संख्या वाला एक कार्ड दिया जाता है जिसे बोलते हैं आधार कार्ड, जिसमें आपका बायोमेट्रिक और जनसंख्या का डेटा है वो सुरक्षित रहता है। तो नौवें का इस प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आगे हमारे पास में दसवां क्वेश्चन आता है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, तो इस प्रकार से दसवें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हमारे पास में अब ग्यारहवां क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है? तो ए ऑप्शन है एक व्यक्ति एक पहचान, तो ये क्या है SSO का उद्देश्य है। बी ऑप्शन सेवा के वितरण एवं हलफनामे के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी SSO ID बना सकते हैं। सी ऑप्शन राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल खिड़की इंटरफेस। दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट होने वाला है। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए? नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है, क्योंकि SSO का और ट्विटर का कोई भी संबंध नहीं है। तो 11वें प्रश्न के आगे 12वां क्वेश्चन आता है। MS Excel 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता क्या होता है? तो वो होता है A1, तो 12वें का ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, तो आगे हमारे पास में 13वां क्वेश्चन आता है। मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? दोस्तों, हॉटस्पॉट के लिए हमें वाईफाई की आवश्यकता होती है, तो 13वें का ए ऑप्शन सही होगा। 13वें क्वेश्चन के आगे हमें 14वां क्वेश्चन मिलता है। कौन
मुक्त विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया है दोस्तों, उसका नाम है विकिपीडिया। तो 14वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन आता है, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल किस में सहेजा जाएगा? तो बताइए दोस्तों, वो किस में जाएगा? वो जाएगा ड्राफ्ट में। तो 15वें का डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है।